मैं मिनल को बुला देना चाहता हूँ मम्मी, इसीलिए मैंने सोचा है मैं बहुत जल्द इस्लामाबाद चला जाऊँगा। खुद को उसकी यादों से दूर करना चाहता हूँ मम्मी अपने। बस अब वो किसी और की अमानत है, उसे भुला देने में ही तुम्हारी बेहतरी है। चार महीने की सैलरी मिलाकर ऐसा एक ब्रेसलेट बनेगा, और निकाह पर जो तुमने एक छोटी सी सस्ती सी अंगूठी दी थी ना, वो टूटी हुई दराज में पड़ी है। अरे बेटा तुम लोग खड़े हुए क्यों हो, बैठो ना हमारे, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं आंटी, मैं चलता हूँ। जो मैंने आपसे बात की है वो प्लीज खावर अंकल से और तलाल से जरूर कर लीजिएगा, और फिर मम्मी को कॉल कर दीजिएगा। कितना हरा भरा शहर है, खूबसूरत। मेरा बस चले तो मैं तो यहीं पे शिफ्ट हो जाऊं। अच्छा मिनल, आज हम आराम करेंगे और कल और ऊपर की तरफ निकलेंगे, जहां तुम बोलो। कहां चले बताओ? मिनल बताओ ना कहां चले। जो आपकी मर्जी हो दलाल। कभी अपनी मर्जी अपनी खुशी भी बता दिया करो। जो आपकी मर्जी वही मेरी खुशी है। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम, पहुंच गए तुम लोग खैरियत से? जी मामा, रास्ते में हैं, होटल जा रहे हैं। तुम्हारे बाबा तो इतने बेचैन थे तुम लोगों से बात करने के लिए, तो मैंने और तुम्हारी ताई अम्मी ने उन्हें समझाया कि अभी वो लोग फ्लाइट पर होंगे। अच्छा, बात करवाएं मेरी बाबा से? तुम्हारे बाबा ऑफिस गए हैं, उनकी जरूरी मीटिंग थी, लेकिन मैं उन्हें कॉल करके बता दूंगी कि हमारी बात हो गई है। तुम अपना बहुत ख्याल रखना और तलाल का भी, समझ गई? ठीक, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलो अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे खैरियत से पहुंच गए। हाँ भाभी, बहुत खुश थी माशाल्लाह। शुक्र है मेरे मालिक। सब खैरियत? सब ठीक, हमारा पूछ रहे। आप चले कमरे में, परेशान मत हो। अम्मी अम्मी। हाँ बेटा। कैसे छोड़ा हुआ अम्मी से, कहा है इसकी अम्मा? वो बात ले रही थी तो मेरे पास लाई थी, लेकिन मेरी कमर में दर्द थी ना, तो मैंने कहा यहीं लेटा दो। हद करती है अम्मी आप, खुदा ना खास्ता गिर जाती अगर ये। अच्छा ऐसे करो, तुम ना इसे बाहर ले जाओ। आपको पता है मुझसे नहीं समझती अम्मी। बेटा स्टोलर में डाल के ले जाओ, जरा घुमाओगे ना तो ठीक हो जाएगी, चुप कर जाएगी। मिनल जी, यहाँ ये देखो कितना खूबसूरत मंजर है। आओ ना प्लीज। देखो hmm.
बस मैं और क्या कहूँ तला। अरे इतना खूबसूरत मंजर है, तुम्हारा साथ है। कसम से अगर मैं शायर होता ना तो भी पूरी गजल लिख जाता। आज पहली बार तुम्हें ऐसे हंसते देखा, बहुत अच्छी लग रही। हमेशा यूं ही हंसती रहा कर। भूख नहीं लग रही आपको? बहुत भूख लग रही है, तुम बताओ क्या खाओगे? आप कुछ भी मंगवा ले। फिर वही? नहीं, आज जो तुम्हारी मर्जी होगी हम वही खाएंगे। ये रहा मेन्यू। ओके बताओ इसमें क्या पसंद है? बहुत सारे ऑप्शंस हैं तलाल, मैं क्या बताऊं? छोड़ो इसे, इतनी हम दूर होटल में बैठ के खाने आए, चलो तैयार होते हैं, बाहर जाके कहीं खाना खाते हैं, उसके बाद कोई नई जगह एक्सप्लोर करते हैं। आप चेंज कर लो, मैं भी चेंज कर लेता, ठीक है? जो मर्जी कर लें अब्बू, मैं मर जाऊंगी लेकिन इस हम्माद से शादी नहीं करूंगी। दूसरे की बेटी को सर पे बैठा लिया है और अपनी बेटी को गाय बकरी समझ लिया है और दोनों को घूमने भी भेज दिया। भाई वाह, जानती हो एक बार पहले भी मैं यहाँ अपनी यूनिवर्सिटी के दोस्तों के साथ आ चुका हूँ। यहाँ सब आज भी वैसे का वैसा, लेकिन आज से पहले ये जगह कभी इतनी खूबसूरत और दिलकश नहीं लगी। जानती हो क्यों? क्योंकि आज तुम मेरे साथ हो। इतना ढेर सारा पैसा? आप बहुत अच्छे हैं तलाल, और बहुत केयरिंग भी। अभी भी कहीं ना कहीं मेरे दिलो दिमाग में हैदर है, लेकिन वादा करती हूँ आपसे कि बहुत जल्द भुला दूंगी उसे। हॉर्स राइडिंग के लिए तैयार हो? तलाल एक तो मुझे हॉर्स राइडिंग बिल्कुल भी नहीं आती और मुझे बहुत डर लगता है। हॉर्स राइडिंग तो मुझे भी नहीं आती, लेकिन ये केयरटेकर्स हमारे साथ जाएंगे ना, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, चलो ना। तलाल अरे घोड़े से कौन डरता है?
मुझे डर लगता है तलाल, मैं बैठूंगी कैसे? बहुत आसान है, उन्होंने कुर्सी भी रखी हुई। चलो आप मेरी हेल्प करें। मैं हेल्प करूंगा, आप डरो मत। चलो आप कब देखो आप इस पे आप पकड़े। अरे कुछ भी नहीं होगा, रकाब में पाऊं कहां? ये स्टिरअप में इसे पाऊं डाले 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 डाले, इसको यहां से पकड़, यहां से पकड़ जोर से। शाबाश, देखो कितना आसान है। आप बैठ जाओ, बैठ जाओ मिनल, कम ऑन। ये बात ओके, अब मैं आ रहा हूं अपने घोड़े पे। ओके लाल, आपने साथ ही रहना है। ठीक है लाल, मुझे डर लग रहा है। अभी तो राइडिंग शुरू भी नहीं की है। आप साथ ही रहेंगे ना? हाँ भाईजान, घोड़ों को साथ रखना और आराम आराम से चलाना। दलाल कोई डरने की बात नहीं, चलो आराम आराम से, आराम आराम। मैं साथ हूँ, ये केयर टेकर साथ है, क्यों घबरा रही हो इतना? दलाल आप प्लीज इन्हें कह के रोके, मैं इस पे नहीं बैठ सकती, मुझे कभी भी नहीं बैठी हूँ। आपने सीट को क्यों पकड़ा हुआ है? आप रस्सी पकड़ो, चलो डरो मत, चलो आओ आओ, डरो मत, आ जाओ आ जाओ। रखना है या ऐसे उतर जाओ? वो टांग इधर लाए 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 पर से। हाँ ये अरे 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 लगी है? I'm so sorry. ज़्यादा लगी? मिनल, I'm so sorry. अच्छा इधर बैठते हैं। It's okay. आप आए 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 मेरे साथ हैं, मेरे साथ हैं, आराम से आराम से। ये सर देखा, दर्द हो रहा है ना? आओ ये बस इधर बैठ, इधर बैठ। अरे दिखा मुझे, दिखा। ओह बहुत दर्द हो रही है? नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, डरे मत। I'm very sorry. It's okay, तलाल. नहीं मैं बहुत excited था, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे आपको, आप डरती हो घोड़े से, मुझे आपको बिठाना नहीं चाहिए था। तलाल क्या हो गया? नहीं देखो ना आप गिर गई ना, अब आपको दर्द भी हो रही है, मुझे लगता है ये ज्यादा सिवियर ना हो। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, it's okay. नहीं हुआ है ना, आपको दर्द तो हो रही है ना। अच्छा चले हम यहाँ से चलते हैं। अच्छा कैसे चलेंगे आप? अब चल सकती हैं? मुझे हेल्प करें। अच्छा आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। मुझसे क्यों मिलना चाह रहे हो कौन तुम? हैदर, आप मिनहल की अम्मी है ना? कौन हैदर और मिनहल को कैसे जानते? मिनहल ने आपको मेरे बारे में जरूर बताया होगा आंटी। नहीं उसने मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया। बहरहाल उसकी शादी हो चुकी है, तुम जाओ यहाँ से। प्लीज आंटी एक बार मेरी बात सुन लें आप, मैं और मिनहल एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। झूठ बोल रहे हो तुम। मेरी अम्मी और मेरी बहन भी यहाँ पर आए थे लेकिन आप ही ने। खामोश हो जाओ और चले जाओ यहाँ से। आप ही ने झूठ कहा था आंटी, वो चाहती थी मेरी शादी किसी और से हो जाए। क्यों सफाइयां पेश कर रहे हो मेरे सामने? क्योंकि मिनहल ने अपनी खुशी से शादी नहीं की है। ऐसा कुछ नहीं है, उसने अपनी मर्जी अपनी खुशी से शादी की है, समझे? आप एक बार मेरी उससे बात करवा दें, वो खुद इस बात का इकरार कर लेगी आंटी के वो मुझे चाहती है। बकवास बंद करो अपनी और एक बात याद रखो, वो तुमसे नफरत करती है और तुम्हें भूल चुकी है। वो मुझे नहीं भूल सकती आंटी, मेरी बहन के झूठ बोलने की वजह से उसका दिल टूटा और उसने जबरदस्ती यहाँ की शादी के लिए, और दिल से कबूल ना किया जाए तो निकाह भी जायज नहीं होता है आंटी। दफा हो जाओ यहाँ से और आइंदा कभी मत आना यहाँ, समझ गए? आऊंगा मैं, बार बार आऊंगा, जब तक मिनल से मिल नहीं लेता मैं जरूर आऊंगा यहाँ पे। तुम क्या समझते हो कि तुम्हारी ये बकवास सुनकर मैं तुमसे डर जाऊंगी और मिनल से तुम्हें मिलवा दूंगी? हरगिज नहीं। कोई मेरे रास्ते में नहीं आ सकता, मैं जरूर मिलूंगा उससे, वो जहां भी होगी ढूंढ निकालूंगा, जिसके साथ भी होगी छीन लूंगा उससे। और सब्सक्राइब करें AOI Digital का YouTube चैनल अपना फेवरेट ड्रामा देखने के लिए।